सीबीएसई बोर्ड 2023 का जितने बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाला। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि रिगार्डिंग कि भैया बोर्ड्स एग्जामिनेशन बहुत लोगों को काफ़ी चीज़ों का काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, खास करके टेंथ वाले बच्चे जो फर्स्ट टाइम बोर्ड देने वाले हैं, क्योंकि ट्वेल्थ वाले बच्चों के पास ऑलरेडी एक साल का एक्सपीरियंस होता है, एक बार का वो लोग बोर्ड दे चुके होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स फेस कर चुके होते हैं, तो उनको थोड़ा आइडिया रहता है कि किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम्स को फेस करना है। लेकिन जो बच्चे टेंथ में इस साल, उनको कोई आइडिया नहीं रहता है, तो मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, उनको डर है कि भैया बोर्ड्स एग्ज़ाम में कैसे मैं स्कोर करूँगा, तो कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आप कोई चीज़ जो मैं आगे बातें बताने वाला हूँ वो चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाई आप ज़रूर करिए, तो बात करता हूँ। सेकेंड चीज़ क्या है कि सेकेंड चीज़ आपका जो प्री बोर्ड्स हो रहा है ना, उसको आप ज़रूर से ज़रूर सीरियसली लीजिए, क्योंकि प्री बोर्ड्स जो है आपका वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। आप क्योंकि टीचर्स आपके जो रिस्पेक्टिव स्कूल के टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, वो कहीं ना कहीं पेपर को उसी तरह से मॉडिफाई करते हैं, उसी तरह से डिज़ाइन करते हैं जिस तरह से पेपर आपका एग्ज़ाम्स में आने वाला है, एग्ज़ाम्स में जिस तरह से पेपर्स आने वाले हैं। तो प्री बोर्ड्स को ज़रूर ज़रूर सीरियस लीजिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके समझाता हूँ। लेट्स एग्जाम्पल, आपके एग्जामिनेशन में 80 में लाइक 40 नंबर आए हैं, तो 40 नंबर आए हैं, बाकी 40 नंबर कहाँ कटे, कुछ चीज़ें आपको ही पता होंगे। मान लीजिए 40 नंबर जो कटे हैं उससे 10 नंबर का आप छोड़ के आए थे, पेपर अटेम्प्ट नहीं किया था आपने, तो बचे 30 नंबर। अब जो आपने अटेम्प्ट किया था उसमें से 30 नंबर कहाँ कटे, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में मतलब इन सब चीज़ों को पकड़ने के लिए मेरे कहाँ मार्क्स कट रहे हैं, कैसे कट रहे हैं, कुछ कैसे सही करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनसे जाके बात करिए कि सर मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप मुझे प्लीज़ गाइड करिए कि मेरे मार्क्स कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़ जो उनके पास स्टेप मार्किंग का वो होता है ना, या तो उनसे कह दीजिए वो प्रिंट आउट करके दे दें, या फिर अगर मोस्टली लगभग सारे स्कूल्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, जब से कोविड आया तो मोस्टली सारे स्कूल्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उस पर दे दी जाती है। तो हो सकता है अगर आपका बना है तो आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर से कह करके उस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फॉरवर्ड करवा सकते हैं उस मार्किंग स्कीम को, या फिर आप ऑनलाइन जाकर नेट पर सर्च करोगे ना कई सारे मार्किंग स्कीम मिल जाएंगी सीबीएसई के ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकेंड चीज़ ये हो गई, तो आप इन सब चीज़ों को सीरियसली लीजिए, इन सब से प्रैक्टिस करिए। एंड जो मार्किंग स्कीम है उसमें आप देखिए, जैसे फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल है तो वो आपको आता है, वो 5 नंबर का है, तो वो मार्किंग स्कीम से आप देखिए आप क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको 5x5 मार्क्स देगा, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन थर्ड चीज़ आपका जो PYQs है उसको आप रोज़ सॉल्व करिए, रोज़ एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चन लगाइए, 100 हो रहे हैं मिला जुला के 100 क्वेश्चन रोज़ लगाइए। लाइक वैसे मान लीजिए आपके 4-5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, तो मिला के 6 मतलब 100-200 पर सब्जेक्ट का 20 क्वेश्चन रोज़ लगाइए। आप जैसे आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्ट का 20 क्वेश्चन PYQs यानी 120, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करिए। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करेंगे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं गारंटीड लिख के दे सकता हूँ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड जो मैंने स्टेप्स बताए उसको फॉलो करिए, मिलते हैं आगे की वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।